फाइनली ही आज क्लास स्टार्ट किया जा रहा है 11 मई से, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर लाया हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन। सब प्रश्न महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे, तो इसको पार्ट टू में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पार्ट वन आपका रहेगा 50 क्वेश्चन और पार्ट टू में भी रहेगा 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। आने वाली भर्तियाँ हैं, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती का वैकेंसी निकल कर आई है, उसी प्रकार आईटी में आपका प्रशिक्षण अधिकारी का वैकेंसी निकल कर आई है, प्रशिक्षण अधिकारी का 366 पद, उसी प्रकार शिक्षक भर्ती का 12,489 पद, और हाल ही में अभी वैकेंसी और निकल कर रही है व्यापम में, तो व्यापम में एक और भर्ती निकल कर रही है जिसका नाम क्या है आपको मालूम है, लेबर इंस्पेक्टर। लेबर इंस्पेक्टर यानी कि आपका लेबर इंस्पेक्टर को क्या बोला जाता है, सहायक निरीक्षक या श्रम निरीक्षक, जिसका 34 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है, जो अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है ना। और आने वाली भर्ती कौन कौन सी है आपको मालूम है, आने वाली भर्ती आपको पटवारी है, रिवेन्यू इंस्पेक्टर है ना, अमीन पटवारी है, और बहुत सारी मतलब वैकेंसी निकल कर आने को बाकी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या चैनल पर पहली बार आए तो सबसे जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, है ना। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम में तैयारी बहुत ही अच्छी करना है। क्योंकि देखिए, अगर व्यापम में कभी भी एग्ज़ाम होता है तो आपको एक माह समय दिया जाता है, ना कि आपको 2 से 3 माह दिया जाएगा, एक महीना। और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिवाइज़ कीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या पढ़ना है भाई आप लोग को, इतना दिन से क्या कर रहे थे आप लोग, हैं इतना दिन से आप लोग क्या कर रहे थे, पढ़ाई करना चाहिए ना। एक बंदे ने कमेंट करके पूछा कि सर डेली क्लास कराइए, डेली क्लास मैं करा रहा हूँ, आप तैयार रहिए और डेली क्लास वॉच कीजिए। वीडियो को क्या करोगे, वॉच करना है आपको, बिल्कुल लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। जिनको अब सिलेक्शन लेना है वही वीडियो देखेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है ना। और फालतू का यहाँ पर मैसेज नहीं करिएगा, मैं वरना आपको मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा, आप मेरा वीडियो ही नहीं देख पाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जब मैं क्लास करा रहा हूँ तब से ध्यान से समझिएगा, है ना, बिल्कुल इधर उधर की बातें ना कीजिएगा। मैं क्या बताऊँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि व्यापम में बहुत सारी भर्तियाँ निकलने वाली, शिक्षक भर्ती 12,489 पद हैं, आईटी में आपका निकला प्रशिक्षण अधिकारी का 366 पद, उसी प्रकार आपका लेबर इंस्पेक्टर का बताया हूँ आपका 34 पद हैं, आने वाली भर्ती आपका पटवारी है, अमीन पटवारी है, आरआई है, ये सब बहुत सारी वैकेंसी निकलने को मिलेगा आपको। हॉस्टल वार्डन है, एडीओ है आपका, बहुत सारी वैकेंसी है, एबीओ है, तैयारी कीजिए ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, तैयारी कीजिए, फिर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। व्यापम का अगर एग्ज़ाम आता है आपको एक महीना समय दिया जाएगा, और एक महीना क्या नए पैटर्न पढ़ चुकोगे, रिवाइज़ कीजिएगा, जितने भी आप पढ़ चुके हैं आप रिवाइज़ कीजिएगा, रिवाइज़ करने का दिन आ चुका है, सिर्फ रिवाइज़ कीजिएगा। और जिनको नया पढ़ना है ना, मैं मेरे क्लास में नहीं जुड़िएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो नया पढ़ना चाहते हैं मेरे क्लास में मत आइएगा, मैं सिर्फ रिवाइज़ करा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आज करेंगे आपका भारत के संविधान से। एक मिनट ना कमेंट देखिए, आप फालतू का कमेंट ना करें, मैं ब्लॉग में डाल दूंगा ना, समझ में नहीं आ रहा आपको। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो संविधान सभा हुई थी उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ, है ना, डिटेल मतलब वन लाइन में क्वेश्चन लाया हूँ, अच्छी क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के जाइएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा। एग्जाम के व्यापम में एक न एक नंबर हर एक कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलता है ना। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन है, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं बार बार, एक न एक क्वेश्चन व्यापम में एक कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये राजेंद्र प्रसाद। और बच्चे गलत करके आ जाते हैं, यही बात है, दिक्कत है कि वीडियो को अच्छे से देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना जो मैं बोल रहा हूँ। आप देखिए, इसका पीडीएफ दे दिए सर, ये क्या है पीडीएफ, सब क्या करोगे, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, तब क्या करोगे, एक स्थाई रोक लोगे एक बार, अरे पीडीएफ तो है अब क्या पढ़ेंगे, पीडीएफ से कोई पढ़ता नहीं है आजकल, है ना। जो क्लास कर रहा हूँ उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, है ना, फालतू के हम बकवास ना करें, मैं पहले बता रहा हूँ, आप मूड मत खराब करो। पीडीएफ, ये पीडीएफ क्या है भाई, पीडीएफ क्यों मांग रहे हो, क्लास तो आते नहीं है ठीक से, क्लास में पढ़ाई करते नहीं है, जब मैं क्लास अटेंड करवा रहा हूँ आप पढ़िए ना, पीडीएफ पीडीएफ इसको पहले पढ़ लो, फिर पीडीएफ को पढ़ना, पहले
पीडीएफ में दे दूंगा, पढ़ता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला मैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा जी हैं, है ना। और स्थायी अध्यक्ष के बारे में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। एक बार रट्टा मार लीजिएगा, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बार बार नहीं कहूँगा। वीडियो को डाउनलोड कर लो ना भाई, एक बार में आपको समझ में नहीं आता, वीडियो को 2-3 देखो, हैं 2-3 देखो वीडियो को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई, 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है, याद रखना। और भारतीय संविधान के निर्माण कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, कितना वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारतीय संविधान के निर्माण कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और भारत में पहली बार संविधान का दिवस कब मनाया गया था, 2015 में। अब संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द किस में जोड़े गए हैं, 1976 में, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद अखंडता शब्द 1976 में, जबकि पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वह आपको सोवियत संघ रूस से प्रारंभ हुई है। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना। आर्टिकल नंबर कौन से में आता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है बेवकूफ। चलिए, भारतीय संविधान को लागू करते समय कितने अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां हैं, तो देखिए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है। कितने हैं, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद है, वर्तमान में पूछा जाए तो आप बताएंगे 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो टॉपिक में बताया हूँ अभी, है ना। भारतीय संविधान को लागू करते समय, एक मिनट देखिए यहाँ पर एक बार, जो भारतीय संविधान को लागू करते समय कितने अनुच्छेद और भाग अनुसूचियाँ थी, 395, 22 भाग और 8 अनुसूची। जबकि पूछा गया वर्तमान में, तो वर्तमान में संविधान के आपका 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देश का कौन सा सर्वोच्च कानून है, तो भारतीय संविधान। और भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, तो निर्मातृ सभा के द्वारा, संविधान का जो निर्मातृ सभा है उसी के द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, याद रखना बच्चों, है ना। चाहे आप व्यापम पीएससी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, है ना, अमीन पटवारी हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, ये जो प्रश्न करा रहा हूँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्राप्त हुआ है, देहरादून से, ठीक है, कहाँ से, देहरादून से, ठीक है, क्लियर हुआ। मूल संविधान में कितने शब्द बना है, 80,000। किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारत। व्यापा में पूछता है एक न एक। संविधान के लिखित में संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, भवन में, कौन सा भवन, संसद भवन। प्रारूप समिति में भारत के संविधान कहाँ लिया था, अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है आपका, भीमराव अंबेडकर, याद रखना, ये भी व्यापम में पूछता है, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्कर क्या निरूपित करता है, सत्य की बात। भारत संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, 26 नवंबर 1949 को। अरे विट्ठल भाई पटेल कौन है आपको मालूम है, विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष। लोकतंत्र नहीं है चीन में। भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है कहाँ से ली गई थी, इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, दक्षिण अफ्रीका से। भारत की संविधान सभा का किस योजना के द्वारा गठित किया गया था, कैबिनेट मिशन। जबकि बी एन राव कौन है, संवैधानिक सलाहकार है, ठीक है, बी एन राव जो है संवैधानिक सलाहकार है।
24 जनवरी 1950 को क्या गया था? संविधान सभा को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान। भारत के अंतिम संसद कितने सदस्य थे? 296, जबकि संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी? 15। संविधान में 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने आसन थे बताइएगा? 12। चलिए अब यहाँ से फिर क्लियर करते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में। ये कॉमन बात है। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष है जीवी मावलकर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। भारत क्या है? धर्म पर निरपेक्ष राष्ट्र है। अब हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा कब? 1971। राज्यसभा बैठक की सभापति उपराष्ट्रपति। संविधान किसके द्वारा 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष? 61वां संविधान सभा 1989। भारत में आज़ादी का पहला आम चुनाव आपका 1952। लॉर्ड कैनिंग आपका प्रथम वायसराय। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटी। यहाँ तक क्लियर हो चुका? क्लियर हुआ? देखिए विलियम बेटिंग है ना, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि अंतर्गत यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर बना दिया गया था आपका 1833 के चार्टर में राष्ट्रपति द्वारा किसके चुनाव के द्वारा भारत में। और भारत के संविधान में प्रेस स्वतंत्रता किसका है? 19 में प्रेस स्वतंत्रता 19 में। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है? तो 368, याद रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये पार्ट वन आपका क्लियर हो चुका है। पार्ट वन में आपको 50 क्वेश्चन, पार्ट टू लाएंगे आपका 50 क्वेश्चन, टोटल हो जाएगा 100 क्वेश्चन। उसके बाद पूरा कंटिन्यू बेसिक से क्लास देखेंगे। तैयारी करना चाहते हैं तो जाइएगा जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, है ना। चलिए कोई दिक्कत